तो दोस्तों आज होगा कंपैरिजन सौरभ जोशी और निक्कू व्लॉग्स के बीच में। मैंने जब इनको देखा तो मुझे इन दोनों के बीच में काफी कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिली जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बात करते हैं सौरभ जोशी। सौरभ जोशी के पास खतरनाक पीयूष जोशी है, ठीक उसी प्रकार निक्कू व्लॉग्स के पास डेंजरस मोस्ट वॉन्टेड चीनू है। और जैसे निक्कू व्लॉग्स के पास में प्यारी सी क्यूट सी चिंकी है, ठीक उसी प्रकार सौरभ जोशी के पास खतरनाक माइंड शैतान बच्चा कुनाली है। और जैसे सौरभ जोशी के पिताजी भोले भाले सीधे साधे, ठीक इसी प्रकार से निक्कू के पिताजी भी भोले भाले सीधे साधे, दोनों सेम सेम है रे भाई। और दोनों की मम्मी दिखने में खतरनाक लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की मम्मी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, उनका खाना उनके कमरे में ले जाकर देती है, लेकिन हमारी मम्मी कहती है बना और अपने आप खा। और जैसे आपको सौरभ जोशी के व्लॉग में उनके चाचा चाची देखने को मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके भी चाचा चाची है। और जैसे सौरभ जोशी के व्लॉग में आपको ओरियो देखने को मिल जाता है, ओलू मेला ओलू, तो ठीक उसी प्रकार जोजो और एक खतरनाक डॉग जो आदमी को खा जाए और कच्चा खा के पानी भी ना पिए। और जैसा कि आप जानते हैं सौरभ जोशी के छोटे भाई साहिल जोशी वो भी वीडियो बनाते हैं और स्टंट करते हैं, तो ठीक इन्हीं इसी प्रकार से निक्कू की भी छोटी बहन है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इससे स्टंट करवाया जाए। तो स्टंट ऐसा खतरनाक करवाया तो फिर उसके बाद आपको खुद ही देखना पड़ेगा इसमें हुआ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्लिप काटनी पड़ी, कहाँ कहाँ से मुझे स्क्रीनशॉट लेने पड़े। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसका पार्ट 2 जरूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक क्लिप बाय बाय।